तीशा सालियान की हत्या की दावा का मामला बीजेपी विधायक नितेश राणे को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने नितेश राणा को पूछताछ के लिए बुलाया। कल यानी कि 12 जुलाई को नितेश राणे से पूछताछ करेगी पुलिस। नितेश राणे ने दिशा की हत्या होने का दावा किया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही हैं दिशा सालियान। आपको याद होगा जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का पूरा प्रकरण उठा था उस वक्त भी दिशा सालियान की का जिक्र हुआ था और उस वक्त भी कई हाई प्रोफाइल्स नाम इस पूरे मामले को लेकर सामने आए थे। अब कल जो है मुंबई पुलिस ने नितेश राणे जो कि विधायक हैं, जाने माने चेहरे हैं, ब्लंटली बात रखते हैं, उनसे उनको समन किया है। कल यानी कि 12 तारीख को उनको बुलाया गया है, नोटिस जारी किया है नितेश राणे को। नितेश राणे ने दावा किया था कि दिशा सालियान की हत्या हुई है। आपने देखा होगा कई ऐसे मौके आए जब बहुत खुलकर नितेश राणे ने इस बारे में बात की। और अब मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से ये पूरा केस जो है आप समझिए, हालांकि बंद तो नहीं हुआ होगा लेकिन एक बार फिर से ये पूरा मामला सुर्खियों में है। मेरी सहयोगी आंचल तिवारी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, क्या कुछ डिटेल्स है, किस वक्त बुलाया है नितेश राणे को, क्योंकि नितेश राणे बहुत ब्लंटली, बहुत ही बोल्डली हमेशा से इस मामले पर मुखर तरीके से रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से दिशा सालियान केस में पहले से ही नितेश राणे लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया था और इसी पूरे मामले को लेकर कल उनसे पूछताछ होगी, दोपहर को उन्हें बुलाया जाएगा। और जिस तरीके से नितेश राणे ने ये दावा किया है कि उनकी हत्या की गई थी, उस बारे में उनके पास क्या सबूत है और किस बेस पर वो ये कह रहे हैं कि दिशा सालियान की हत्या हुई थी, वो उनसे पूछताछ की जाएगी। इसी के साथ ही साथ आपको बता देते कि इसके पहले भी नितेश राणे से कई दफा पूछताछ हो चुकी है और लगातार उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास कुछ सबूत है, अभी तक पुलिस को वो सबूत नहीं मिला है जिस सबूत की बात खुद नितेश राणे कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस पूरे मामले को लेकर काफी लंबा वक्त बीत चुका है लेकिन बीजेपी अभी भी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से मुखर है और जो बीजेपी के नेता है नितेश राणे, तो अभी तक पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ाया है, कोई इनपुट्स हैं क्या पुलिस के पास, पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? पुलिस ने जिस तरीके से नितेश राणे के बयान, उन्होंने जो इनपुट दिया हुआ है उस बेस पर ही उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि नोटिस मुंबई पुलिस की तरफ से उनको तब जारी किया गया जब उन्होंने कहा है कि उनकी हत्या हुई है और उनके पास क्या कुछ सबूत है और क्या कुछ वो कल फेस करेंगे, इस बेस पर उनको मुंबई पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया। लेकिन मुंबई पुलिस के पास अभी कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, ये सारा का सारा जो दावा है वो नितेश राणे की तरफ से ही की गई है। बहुत धन्यवाद, नजर बना रखिएगा आंचल।